जैसा मैंने आपसे पिछली बार बांटा था कि मैं एक वचन इस बार वचन बांटेंगे, रिलीजियस स्पिरिट या धर्म की आत्मा। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ट्रेडिशनलिज्म बोलते हैं, ट्रेडिशनलिज्म या रिलीजियस स्पिरिट, इन दोनों बातों के बारे में आज हम सीखेंगे। मैं जब अभी प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने एक वचन मेरे दिल पे डाला जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी। दूसरा कुरिन्थियों 10:5, ट्रेडिशनलिज्म या एक तो है ट्रेडिशनलिज्म या एक है रिलीजियस स्पिरिट, इन दो चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10:5, होली स्पिरिट, थैंक यू। आइए, मैं चाहती हूँ सब प्रार्थना कीजिए कि आज का वचन, क्योंकि ये वचन जो है ये आज सोच के बारे में है कि परमेश्वर आज का वचन मेरे अंदर जाए, मेरी सोच को बदले, जो चीज़ें मेरी प्रोग्रेस को, मुझे आगे बढ़ने में रोकती हैं, वो मेरे ऊपर से टूटें। ये हमारी प्रार्थना होने दीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाएँ, हम ऊपर बढ़ पाएँ। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। अपने मनों को परमेश्वर तेरे हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। दूसरा कुरिन्थियों 10:5, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यहाँ पे दो तीन चीज़ें देखेंगे, कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का और हर भावना को, हर सोच को, हर फीलिंग को, और हर चीज़ जो अपने आप को परमेश्वर की पहचान से ऊंचा करती है उसको हम नीचे लाते हैं। तो तीन चीज़ें यहाँ पे जो हमको परमेश्वर में बढ़ने से रोक सकती है, एक है हमारी सोच, हम जिस तरीके से, एक स्टाइल होता है सोचने का। सपोज़ अभी एक एग्जांपल मैं लूँगी, यहाँ से उठ के कोई गया, रूम में से उठ के कोई गया, कल्पनाएँ क्या है, सोच क्या है, अलग अलग लोग एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। जो खाने का शौकीन है, जब कोई उठ के जाएगा वो सोचेगा ऊपर गया होगा, खाना चखने गया होगा। जिसको बिना बात के गुस्सा आता है वो सोचता है पता नहीं मेरे विरोध में इसको क्या है, गुस्से से निकल गया। तीसरा ये सोच सकता है मैं जब प्रचार कर रहा हूँ या जब मैं गा रहा हूँ तभी उठ के गया है, नहीं तो नहीं जाता है। एक चीज़ हो सकती है मगर सोचने के तरीके अलग अलग, इसको बोलते हैं कल्पनाएं। ये सोच का जो प्रोसेस है अलग अलग लोगों में अलग अलग चल सकता है, मानते हैं कि नहीं? एक स्टाइल होता है सोचने का। अब सपोज अभी बेबी सिस्टर मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही हैं, एक सोच सकता है चलो कितनी खुश है मेरे साथ, बड़ा प्यार करती है मेरे से। दूसरा सोच सकता है ये तो मेरे पे हंस रही है, शायद इसको शायद पता नहीं मेरा वचन कुछ पसंद नहीं आया। तीसरा सोच सकता है अच्छा ये पूरा ग्रुप बना के हंस रहे मेरे ऊपर, शायद सारे ही वचन का मजा ले रहे हैं। सोच, और ये सोच क्या करती है, परमेश्वर की पहचान से हमें दूर रखती है, परमेश्वर से हमको दूर करने की कोशिश करती है। भावनाएं, सिमिलर चीज, फीलिंग। अगर मेरे हाथ से ये फोन ले लिया, मेरे हाथ से एकदम से दिल पे धड़, ओए मेरे सारे कॉन्टैक्ट, जो कोई मेरे साथ था सब हट गए मेरे से, अब मैं क्या करूंगी, और दुख। एक हो सकता है मेरा फोन कैसे ले लिया मेरे हाथ से, तीसरा हो सकता है अच्छा ले रहा है तो शायद वापस दे देगा। भावनाएं, अंदर से फीलिंग क्या आती है, कुछ भी होता है। आप अगर अपने रोज की जिंदगी में देखो, ये ट्रेडिशन बन गया हमारे सोचने का, ऐसे हम सोचते रहते हैं। ये चीज़ें परमेश्वर को के
के पास आने से हमें रोकती है। हर ऊंची बात, तीसरा अगर आप देखेंगे, हर ऊंची बात, कई बार ये ऊंची बातें शायद ऊंची कोई टीचिंग्स हो सकती हैं जो अपने आप को ऊंचा बताती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जो अपने आप को ऊंचा बताती हैं, वो जो बोले वही बात है। मगर कई बार ये जो ऊंची चीज़ें हैं वो हमको परमेश्वर के पास आने से रोकती है। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरा मन इस तरीके से खोल कि मैं उस लाइन पे ही ना चलता रहूं जिस लाइन पे मैंने गलत शुरू किया था, मगर मेरी सोच बदले, मेरी दिशा बदले परमेश्वर। कुछ लोगों का जैसे अगर हम देखें ना, शायद कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जो हेयर स्टाइल है, जो कपड़े हैं, जो सोच है, वो अभी भी 1950 का चलता आ रहा है। एक टाइम पे ये वाली हीरोइन पसंद थी तो वो तब हीरोइन थी, उस मगर उस हीरोइन के कपड़े आज तक भी नकल कर रहे हैं। क्यों? सोच वहाँ फंसी हुई है। ये तो एक, मैं आपको एक हल्का सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, मगर ये सोचिए कि हमारी सोच कहाँ फंसी हुई है। ये थोड़ा सा अपने बारे में हम सोचें और प्रार्थना करें परमेश्वर ये बदले। पिछले कुछ हफ्ते से, कुछ देर से कुछ लोग मेरे पास कुछ सवाल भी लेके आ रहे थे, और परमेश्वर भी मेरे दिल पे ये बात डाल रहा था कि कुछ ऐसी ही गलत सोचें लोगों के दिमाग पे मारी जा रही हैं, वार कर रही हैं, जो लोगों को परमेश्वर से दूर कर रहा है। तो उन कुछ बातों को आज मैं क्लियर करना चाहूँगी, तो ये उसी के बारे में है। हम उसके लिए वचन निकालेंगे मत्ती 15:3। पहले हम पढ़ेंगे मत्ती 15:8, फिर हम 3 पे जाएंगे। जे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। 9 भी। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों से, विधियों और धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। परमेश्वर कह रहा है ऊपर से ऐसा लगता है ये लोग मुझे बड़ा आदर दे रहे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मगर इनका दिल दूर है। कई बार हम सीख जाते हैं चर्च में चर्च की भाषा, कब उठना होता है, कब बैठना होता है, कितनी बार चलना होता है, कितना हंसना होता है, कितना झुकना होता है, ऊपर से हम सीख जाते हैं। कई चर्चेज ऐसे करते हैं, वो ऊपर से सीख जाते हैं कि होली या धार्मिक फीलिंग कैसी दी जाती है, मगर परमेश्वर क्या कहता है, उनका दिल मेरे से दूर है। 9वीं आयत कहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। कमांडमेंट्स ऑफ मेन, जो लोगों का जो रूल्स हैं उनको डॉक्ट्रिन करके सिखाते हैं। मतलब मैं इसके लिए एक बार और तीसरी आयत पढ़ना चाहूंगी, फिर मैं आपको इसको समझाती हूँ। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? ट्रेडिशन को इन्होंने क्या कर दिया है, परमेश्वर के वचन की जगह दे दी है। कई बार जब मैं लोगों को बोलती हूँ, या मैं कई बार सुनती हूँ जब कई बार कैथलिक्स को बोला जाता है कि आप मैरी की वर्शिप क्यों करते हैं, बाइबल में तो लिखा नहीं है कहीं भी मैरी की वर्शिप करना है, फिर भी आप क्यों करते हैं? जवाब ये मिलता है, क्या हम माँ को भूल जाएं? हमारे बाप दादा करते आए हैं तो क्या हम रोक दें, अब हम ना करें? क्योंकि बाप दादा करते आए हैं तो क्या वो सही हो जाता है?
मैं ये वचन को एक बार और पढ़ना चाहूंगी, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। परंपरा क्या है? मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे चाचा, मेरे चाची सभी करते हैं, तो क्या वो गलत हो सकते हैं? इतने सालों से करते आए हैं तो क्या वो गलत हो सकते हैं? इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में तो क्या वो गलत हो सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ वो एक ट्रेडिशन है, वो उसको वचन नहीं बना देता। अपनी परंपराओं के वजह से मेरे वचन को की आज्ञाओं को क्यों टालते हो। 9 पढ़ेंगे, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को कमांडमेंट्स, मनुष्य जो रूल बनाते हैं उसको क्या करते हैं? धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, स्क्रिप्चर बना देते हैं। दादा दादी, उनके दादा, उनके दादी, उनके दादा, सालों से प्रथा चलती आई है, तो क्या ये गलत हो सकता है? हाँ, लोग ट्रेडिशंस को वचन बना के सिखा रहे हैं। और मैं ये सिर्फ इसके बारे में नहीं कह रही, और कई आप ट्रेडिशंस अपने मन में सवाल करके पूछिए, क्या ये वचन के मुताबिक सही है या गलत है? आप पूछिए, जो भी आप अपने जीवन में करते हैं पूछिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? क्योंकि करते आए हैं वो उसको सही नहीं कर देता। और वचन क्या कहता है? कि ऐसी चीज़ें फिर हमें परमेश्वर से दूर करने लगती हैं। हमारी सोचें भी हमें परमेश्वर से दूर कर सकती हैं। मैंने एक बार एक सपना देखा। मैं किसी एक परमेश्वर के अच्छे दास और दासी को जानती हूँ। मैंने ऐसा सपना देखा कि उनकी एक बड़ी सी बेटी है, और उस बेटी ने जैसे मुंह पे एक कपड़ा डाला हुआ है, दुपट्टा डाला हुआ है, और उसने बड़ा जैसे बोझ से ऐसे ना दबी हुई, गुस्से में भी है, दुखी भी है, ऐसे देख के मैंने ऐसा एक सपना देखा। मैं बाद में प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर इस सपने का क्या मतलब है? परमेश्वर ने मुझे बताया, ये जो बेटी है वो दर्शन को दिखाता है। और मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, जब भी कई बार हम सपने में बच्चा देखते हैं, जो परमेश्वर के द्वारा सपने हैं, बच्चा दर्शन को दिखाता है, जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो ये जो लेडी है वो उनका चर्च को दर्शाते हैं। जिस लड़की को मैंने देखा वो 20-21 साल की थी, उनके चर्च को दर्शाता है। और उनके चर्च में ट्रेडिशंस के वजह से, जो कि परमेश्वर ने नहीं डाले हैं, या ये जो धर्म वाली सोच है, जो पुराने ट्रेडिशंस बिना बात का बोझ, उसके वजह से चर्च दुखी है और बोझ में है। इस चीज को थोड़ा सा हम समझेंगे। मत्ती 23, इस पूरे चैप्टर को हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। मत्ती 23 उसका 4। वे एक ऐसा भारी बोझ को, जिनको उठाना कठिन है, बांधकर उन्हें मनुष्यों के कांधे पर रखते हैं, परंतु सवाय उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। अब ये कुछ जो धर्म के लीडर्स या रिलीजियस स्पिरिट वाले लीडर्स, उनकी बात कर रहा है, फैरिसीज़ की बात कर रहा है। वो लोगों के ऊपर ऐसा बोझ डाल देते हैं जो खुद उठा नहीं पाते हैं। जो सपना मैंने देखा वो बड़े अच्छे लोग हैं। कई बार क्या होता है, क्योंकि हम सालों से कुछ बात सुनते आए हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि हम जो कर रहे हैं कि शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं है, या शायद इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, हमें पता नहीं, क्योंकि हम बस सुनते आए हैं तो करने लग जाते हैं। मगर यहाँ पे फैरिसीज़ की बात चल रही है, फरीसियों की, कुछ ऐसे धार्मिक लीडर्स की, जो कहता है ऐसे लोग बोझ लोगों के ऊपर डाल देता है जो वो खुद नहीं उठा पाते।
ऐसे रूल्स लोगों के ऊपर थोप देते हैं, सौंप देते हैं, वो खुद नहीं कर पाते. तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम ये ऐसा ही करना है. क्या वो खुद ऐसा करते हैं? पांचवा पढ़िए सिस्टर. वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपने तबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं. तो ये एक सवाल जो कुछ लोग डिस्टर्ब होके मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हमें बोला कि चर्च में सिर्फ वाइट पहनना है, वाइट के अलावा नहीं पहनना. तो मेरा सवाल था, ऐसा क्यों? यूसुफ ने तो अलग अलग रंग के कपड़े पहने और उसके भाइयों ने उसको मारा उस वजह से, मगर परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा उसको इस्तेमाल किया. तो सफ़ेद ही रंग क्यों? और सफ़ेद रंग पीले रंग से अच्छा क्यों? अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे ना दिखें, आज वैसे मैंने सफ़ेद पहना है, मैं सफ़ेद में अच्छी लगती हूँ. कुछ लोग अगर चाहते हैं अच्छे नहीं लगे, मैं देखा कुछ लोगों के ऊपर पीला नहीं जाता है. अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छा ना लगे तो शायद हमें पीला पहनना चाहिए सबको. मैं ट्रेडिशंस के खिलाफ नहीं हूं. मैं ऐसे बड़े अच्छे दासों को, दासियों को जानती हूं, और मैं इसको आपको आगे समझाऊंगी कि क्यों कई बार ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, क्यों इसको बिना बात का बोझ मानकर नहीं लेते हैं. अगर आप पुराने नियम में भी देखें, परमेश्वर ने खासकर जो लीवाइट्स थे या जो प्रीस्ट थे, उनके कपड़ों को पर्पल बताया गया है. उन्होंने भी सफ़ेद नहीं पहने, पर्पल खासकर जो कलर था परमेश्वर ने वो रंग बताया. छठा पढ़ेंगे. बोझ में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन. हाँ, उनको मुख्य मुख्य स्थान चाहिए होते हैं. और बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है. तो ये जो एक सुपीरियोरिटी वाली चीज़ है कि हम ही ग्रेट हैं, सब जगह हमें ग्रेट ट्रीट करो. क्यों? अगर उनको ग्रेट ट्रीट किया तो बाकी की उनकी बात की वैल्यू आती है, उनकी बात सुनी जाती है. आगे पढ़ेंगे. ये सब बाकी डिटेल्स आप पढ़ना, मैं इसमें से थोड़े से आपको निकाल के बता रही हूँ. 13-14. हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो. हे कपटियों, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा. जो तीसरी आयत ऐसा कहता है, तुम स्वर्ग के द्वार को बंद कर देते हो, खुद नहीं जाते हो और दूसरों को भी जाने नहीं देते हो. ये रिलीजियस लीडर्स के लिए बोला जा रहा है, तुम खुद परमेश्वर के राज्य में नहीं जाते और दूसरों को भी रोकते हो. तुम्हें अगर चर्च आना है तो तुम्हें सिर्फ ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, तुम्हें अगर चर्च आना है तुम्हें सिर्फ ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी तुम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हो. तुम अगर ये करना चाहते हो तुम्हें सिर्फ ऐसा करना पड़ेगा. उनके लिए मुश्किल बना देते हैं. मतलब कोई चर्च में आके परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, उसके प्यार को जानने की जगह सबसे पहले चर्च में आता है, उसको 10 रूल मिल जाते हैं. तुम्हें अगर चर्च में खड़ा होना है तुम्हें ये सब करना पड़ेगा. बाहर वालों के लिए परमेश्वर के राज्य को बंद कर देते हैं कि जो मेरे रूल्स हैं पहले वो फॉलो करो, तभी तुम्हें अपनाया जाएगा. 14 जो कहता है, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हो, लोगों की ज़मीनें हड़प लेते हो, मगर हम फास्टिंग कर रहे हैं. हम इतना प्रेयर करते हैं दिन में, हालेलुया
हर शब्द के बाद हम हालेलुया ज़रूर बोलते हैं क्योंकि हम इतने आत्मिक लोग हैं, मगर पीछे से हम कितना किसी का पैसा मार रहे हैं किसी को क्या पता, पीछे से हम क्या कर रहे हैं किसी को क्या पता, मुंह पे तो हम धार्मिक बन रहे हैं। जो धर्म या रिलीजियस स्पिरिट है, धर्म की आत्मा ऐसी चीज़ें करती है, ऊपर से बड़ी धार्मिक लगती है, अंदर से पीछे से कैसा है ये वचन बताता है। 23 पढ़ेंगे सिस्टर। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पदीने। और वचन कहता है तुम पर हाय, तो ये चीज़ क्योंकि जो परमेश्वर के पीछे चलने की बात या परमेश्वर के पास आने को रोकता है, इसलिए परमेश्वर कहता है तुम पर हाय। हाँ जी 23। तुम पदीने और सौंफ और जीरे का दसवां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते। मतलब रूल्स बना देते हैं आपको। देखो हम बोलते हैं आपको दशमांश देना है, ये वचन इसके बारे में कहता है कि हर चीज़ के बारे में विश्वासियों से ये रूल्स के थ्रू आपने ये करना है, ये करना है, ये इस तरीके से करना है, पीछे पड़ जाते हैं। मगर जहाँ दया की बात आती है, न्याय की बात आती है, उस बात को तो छोड़ देते हैं। तुमने दशमांश नहीं दिया, तुम अगले हफ्ते से तुम्हें लीडरशिप में नहीं रखेंगे। तुम्हें 500 रुपये देने को बोला था, तुमने दिया नहीं, तुम पीछे हट जाओ। तुमने 5 वर्सेस ठीक से तुम्हें आते भी नहीं हैं, पीछे हट जाओ। तुमने मेरे विरोध में 2 लाइन उसके खिलाफ मेरे विरोध में बोली, उसको इस चर्च में नहीं घुसना, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। दया। जो दया है, जो प्रेम है, ये चीज़ें अंदर में नहीं है, मगर ऊपर दूसरों को पकड़ने के लिए रूल ज़रूर हैं, दूसरों के ऊपर बोझ डालना वो ज़रूर है। एक समय पे मुझे याद है, मैं किसी के साथ वचन बांट रही थी, किसी को बोल रही थी कि ना कैसे परमेश्वर बचाता है, और उसने मुझसे ऐसा कहा, मैं तो जितने क्रिश्चियंस को देखता हूँ वो दुखी लगते हैं, मैं क्यों क्रिश्चियन बनूँ, मैं तो ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा हाल कई बार एक्चुअली हो जाता है, क्योंकि क्रिश्चियंस ने कई बार मसीह के पीछे चलना एक रिलीजन बना दिया है। मुझे तो दुपट्टा पहनना ही पड़ेगा, मेरे को पसंद नहीं है फिर भी पहनना पड़ेगा, मुझे इसी तरीके के कपड़े पहनने पड़ेंगे, मैं टीवी नहीं देख सकता, मैं बाहर जाके खुश नहीं हो सकता, मुझे मैं तो क्लब में जाना है मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैं दुखी हूँ, मैं खुश होने के लिए कुछ नहीं कर सकता। कितने लोगों की मन की बात मैं अभी बोल रही हूँ, सब ऐसे देख रहे हैं मुझे। क्रिश्चियन होना बड़ा बोरिंग है, क्या मज़े हैं क्रिश्चियन होने में एक्चुअली। अगर पंजाब में फिर भी थोड़े से लोग जो क्रिश्चियन हैं खुश लगते हैं, हमारे चर्च के लोग एटलीस्ट खुश लगते हैं, मुझे पता नहीं बाहर, क्योंकि क्रिश्चियनिटी को हमने एक धर्म के रूप में बना दिया है। तुम अगर यीशु मसीह के पीछे चलना धर्म हो गया है, तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये रूल फॉलो करना है, ये रूल फॉलो करना है। क्या आप जानते हैं जब परमेश्वर कोई आज्ञाएं देता है, जब परमेश्वर हमें कहता है तूने ये करना है, वो एक खुशी, उस चीज़ का पावर भी हमारे अंदर डाल देता है। कई बार अगर आप देखोगे क्यों लोग क्रिश्चियन नहीं बनना चाहते, क्योंकि उनके ऊपर बोला जाएगा तुम ये पापी हो, जैसी वो मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, तू अब ये करता है, तू ऐसे वाले कपड़े पहनता है, अब तू चर्च नहीं आ सकता, तू ये वाली चीज़ें करता है, तू ये चीज़ करता है, वो चीज़ करता है,
टाइट कर देते हैं। परमेश्वर भी जानता है जब हम क्रिश्चियन बनते हैं हम एक बच्चे के जैसे जन्म लेते हैं। वचन आपने सुना होगा, जो वचन ऐसा कहता है, वचन का जो दूध है वो एक बच्चे को पिलाया जाता है, उसको शुरुआत में ही मीट नहीं दे देते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है यहाँ पे, उसको हम अभी मीट नहीं दे देंगे खाने के लिए। तो जब कोई विश्वास में आता है, हम एकदम से नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि अब उसने ये विश्वास में आ गया तो सारे पाप छोड़ देगा, नहीं तो तू पापी है। जैसे हम एक बच्चे से प्यार करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उस तरीके से हमें एक दूसरे के साथ भी पेश आना है। हाँ, हमें ये सोच बदलनी है। कई बार हम बस चाहते हैं बच्चे की तरह हैं, खेलते रहें, मेरे लिए कोई खाना खिला देगा, मुझे कोई साफ कर देगा, मेरे मैं गंदी मचाता रहूं। अगर हम बढ़ना चाहते हैं, हमें वचन में बढ़ना है। मगर अगर कोई चर्च में आता है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि तूने ए टू जेड सारे रूल्स फॉलो कर देने हैं तभी तू एक क्रिश्चियन है, नहीं तो तू पापी है। कॉन्डेमनेशन, कॉन्डेमनेशन का मतलब कोई जो ये रिलीजियस स्पिरिट में फंसा हुआ है वो हमेशा हर चीज़ में यही देखता रहेगा, हर किसी में यही देखता रहेगा, ये तो पापी है, ये कैसे कर रहा है, ये तो पापी है, ये कैसे सेवा कर रहा है, ये तो पापी है, ये तो ये गलत कर रहा है, ये तो ये गलत कर रहा है, ये तो ये गलत कर रहा है। दिल में दया आती नहीं है। खुद के दिल में भी खुशी नहीं है, क्योंकि ये रिलीजियस स्पिरिट हमको बांध देता है। परमेश्वर का राज्य है लव, जॉय, पीस, पेशेंस। क्या हमारे अंदर ये है? क्या हमारे अंदर प्रेम, खुशी है? आज आधे से ज्यादा लोग डिप्रेशन के मारे मर रहे हैं। कितने लोगों के ऊपर डिप्रेशन है, मगर हम चर्च में भी उनको बुला के उनके ऊपर और एक बड़ा बोझ रखने के लिए नहीं। वो जो परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का प्रेम, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आता है, दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम बुलाते हैं। आमेन, आमेन। 25 पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। ये जो रिलीजियस स्पिरिट है वो ऊपरी चीज को बड़ा साफ करने में तुला रहता है। ऊपर से हम धर्मी लगे, अंदर कटोरे के क्या चल रहा है, अंदर कटोरे की क्या हालत है, कटोरे के अंदर जलन है, कटोरे के अंदर गुस्सा है, कटोरे के अंदर किसी को नीचा दिखाना है, उस सब से कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये मेरा भाई है, मैं बस उसके अच्छे के लिए बोल रहा हूं, मगर पता है ये पाप करता है। ये मेरा भाई है, मैं बस इसके लिए अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, मगर मैंने बाहर देखा था वो जाके उन लोगों के साथ जो गलत करते हैं उनके साथ खड़ा होकर हंस रहा है, उसको मिनिस्ट्री में मत घुसाना। आमीन। मैं परमेश्वर का भय खाता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ इन लोगों के ऊपर, इन लोगों को समझो ये गलत कर रहे हैं। रिलीजियस स्पिरिट, और ये स्पिरिट क्या करती है, अपने आप को बड़ा दिखाती है। तो हम भी सोचते हैं कि ये जो ऐसे धर्मी बनते हैं ऊपर से वो ज़्यादा महान है, जो रंगीन कपड़े पहनते हैं वो कम महान है। वो बाहर को ज़्यादा साफ करते हैं, अंदर क्या चल रहा है वो गंदा ही है। रिलीजियस स्पिरिट,
देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ हर कोई जो ऐसा करता है वो ख़राब है, जो बाहर से कुछ ट्रेडिशंस फॉलो करता है वो ख़राब है और वो अंदर से ख़राब है, मगर मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कोई अगर आपके ऊपर ये रूल्स, ये जो बातें हैं बिना बात के आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है, आप समझदार बन जाइए, आप अपने मनों को खोलिए। एक एग्जाम्पल, यू नो, मैं अगर आपको, मैं हम ऐसे ऐसे चर्चेस, यू नो, लोगों को जानते हैं, चर्चेस को जानते हैं जहाँ पे ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं जो शायद हम नहीं करते हों, मगर शायद वो ट्रेडिशंस परमेश्वर ने उनको बोला फॉलो करने के लिए। ये मैं आपको और डिटेल से एक और वचन में बताऊँगी, पहले हम उसमें जाएंगे, ठीक है, हम जाएंगे अभी पहला पत्रस उसका 3, उसके 3-5 में। ये कुछ सवाल जो मेरे पास आए थे उनके जवाब बताने के लिए ये वाले वचन मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी। पहला पत्रस 3:3-5। तुम्हारा श्रृंगार दुखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने जहाँ बांति बांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा शिपा हुआ और गुपत मनुष्य तव नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुजजित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियों भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से स्वार्थी और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। पहला तिमिथी उसका 2:9-10 मैं पढ़ देती हूँ। वैसे ही स्त्रियाँ भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। हम ये बैलेंस को समझें। यहाँ पे लिखा है कि अपने बालों की गुत्थियाँ ना करो, या जो ब्रेड बोलते हैं इंग्लिश में, पंजाबी में क्या बोलते हैं, गुथ ना बनाओ। ये वर्स कितने लोगों ने पढ़ा है, एक बार हाथ देखना चाहूँगी, गुथ ना बनाओ कितने लोगों, अच्छा बाकियों ने पढ़ा ही नहीं है वर्स, दो जगहों पे लिखा है बालों के गुथ ना बनाओ। और यहाँ जहाँ से जब से हमारा बच्चा स्कूल जाने लगता है या पैदा होता है, लड़की बड़ी होने लगती है, उसकी गुथ बनाने लगते हैं, यहाँ तो लिखा है गुथ मत बनाओ। तो आपने गुथ बनाना क्यों नहीं बंद किया, दो जगहों पे लिखा है गुथ मत बनाओ। गुथ बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, कितने कहते हैं गुथ बनाना चाहिए, एक, अब आपका हाथ देखे 3-4 ने उठ, कितने कहते गुथ नहीं बनाना चाहिए, पता ही नहीं ना, कंफ्यूजन, इसको बोलते हैं रिलीजियस स्पिरिट ने हमें बांध रखा है, हमें कई जवाब नहीं पता, तो सामने से जो कोई आके बोल दे उसकी बात हम मान जाते हैं। तो आज की प्रीचिंग सीख जाओ। देखो उस टाइम पे क्या होता था, जो औरतें जिनका कैरेक्टर लूज था, जो औरतें क्या बोलते हैं गलत काम करती थी, वो बड़े डिटेल से गुत बना के अपने बालों को सवारती थी। तो पौलुस कह रहा है अपने हाव भाव को बदलो, जो लूज कैरेक्टर उसकी तरह बिहेव ना करो, तुम्हारा जो स्पिरिट है, तुम्हारा जो बिहेवियर है, वो एक परमेश्वर का जो भय मानती है उस स्त्री की तरह हो। आज अगर हमने बच्चे के गुत बनाए, हम ये तो नहीं सोचते हम इसका कैरेक्टर लूज बना रहे हैं, इसका कैरेक्टर खराब, छोटे मतलब 2 साल की लड़की के बाल गुत बना रहे हैं, देखो हम इसको बिगाड़ रहे हैं, सोचते हैं ऐसा? बाइबल को इंटरप्रेट करना हम सीखें। इसी तरीके से ऐसे वर्सेस हैं जो ये धर्म वाली आत्मा बोलती है, औरत को प्रचार नहीं करना चाहिए,
और ये जो सफेद पहनने वाली बात भी वहीं कहीं से आई है। आप समझ रहे हैं? एक और वर्स देखेंगे, थोड़ा और समझ जाएंगे, नहीं तो आप सब आज जाओगे, घर जाओगे, सारी औरतें खासकर, मैं तो पापी हूँ, हर बार शीशे के सामने ओनो गुथ, अब क्या करेंगे खुले बाल छोड़ के, अब अगली बार बाल खुले छोड़ के, कौन सा बेटर है, बाल खुले कि गुथ, कौन सा ज़्यादा डिसेंट लगता है? चलो पढ़ेंगे एक वचन, यूहन्ना 6:27 पढ़ दीजिए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, इसका क्या मतलब है? नाशवान भोजन कौन सा है? नाशवान भोजन कौन सा है जो खाना हम खाते हैं और फिर खत्म हो गया वो? नाशवान भोजन, उसके लिए परिश्रम मत करो। मतलब ये वचन क्या कह रहा है? अपने खाने के लिए काम मत करो, मगर किस लिए परिश्रम करो? अपर्णा, सीमा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, मतलब परमेश्वर के राज्य के लिए, जो मैंने आपको पिछली बार बोला, परमेश्वर के पास ऐसा भोजन है जिससे हम तृप्त होंगे, मतलब परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर के राज्य के लिए सेवकाई। तो इसका मतलब है नाशवान भोजन मतलब खाने के लिए काम मत करो। तो जो जो नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोग सब क्या हैं? पापी। और जो यहाँ पे गुत बनाते हैं वो सब क्या हैं? पापी। वचन को पढ़ना सीखो। अब एक और वचन पढ़ेंगे, क्या कहता है साबी, तू पापी है? नहीं ना, कुछ तो गलत है या तो वचन में। दूसरा थेसलोनियंस 3:10, दूसरा थेसलोनिकियो 3:10, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना पाए। तो यहाँ तो उल्टा बोल रहा है, अगर कोई काम नहीं करता उसको खाना नहीं मिलना चाहिए। इससे पहले वचन में बोला कि नाशवान खाने के लिए मत काम करो। इसको बोलते हैं कंपैरिजन। परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जैसे वचन में लिखा है, अच्छा होगा अगर तुम अपनी आँख निकाल दो कि तुम आँखों से पाप करो, उससे अच्छा अपनी आँख निकाल दो। कितने लोग आँखों से पाप करते हैं, कितने लोगों ने, अगर हमें रूल फॉलो करने हैं तो आँखें निकालनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि वचन भी ये कहता है अपनी आँख निकालो। एक आंख के बिना चलना चाहिए हमें? ये वचन पढ़ा है किसी ने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पढ़े हैं आपने, है ना, कि अच्छा होगा आंख निकाल दो, इससे अच्छा कि तुम परमेश्वर के राज्य में घुसो आंख के साथ और पाप के साथ। इसका ये मतलब है परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कंपेयर करके बोल रहा है। अगर हम एक बार और उस वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 3:3-5, एक बार और पढ़िए उसको। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुंदा और सोने के गहने जा बाती बाती के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व और नम्रता। इसका ये मतलब है जब परमेश्वर कहता है ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम अपनी आँख निकाल दो, हम अपनी आँख नहीं निकालते। परमेश्वर ये कहने की कोशिश कर रहा है आँखों से पाप मत करो, नहीं तो तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं घुसोगे। मगर जब हम ये वचन पढ़ते हैं कि अपनी आँख निकाल दो, हम अपनी आँख नहीं निकालते। मगर जब हम ये वाला वचन पढ़ते हैं, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा क्या होना चाहिए? छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व। अंदर से तुम कैसे हो वो ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है और मन की दीनता की अविनाशी की सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर हमें कंपेयर करके, ये वचन हमें कंपेयर करके बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम एक दूसरे को बाहर से उतना जज मत करो, उसके अंदर उसके दिल को देखो, क्योंकि वो मैं भी वही देखता हूं। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? इसका ये मतलब है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ठीक है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनने। क्या फिर हमें सोना छोड़ना चाहिए? कितने लोग कहते हैं सोना नहीं पहनना चाहिए? हाथ दिखाइए। कितने लोग कहते हैं पहनना चाहिए? कितने लोगों के पास लोग आके आपको बोला है तूने तो ये सोना पहना है, और आपको पापी वाली फीलिंग देते हैं? एक ही को? कोई आपके पास कभी नहीं आया आपके सोने की ये बाली तो क्रिश्चियन है? अच्छा, कितनों के साथ हुआ ऐसा? दो लोगों के साथ तो क्रिश्चियन है। अच्छा, देखने में तो पापी है, तूने तो सोना पहना हुआ है। मैं एक ऐसे चर्च से थी जहाँ पे सिर नहीं ढकते थे और हम प्रार्थना करते थे, वर्शिप करते थे, मतलब जिसको ढकने का मन है वो ढकता था, रूल नहीं था ऐसा कोई। तो मेरी आदत थी, मैं भी सिर नहीं ढकती थी। तो एक टाइम पे था, ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा परमेश्वर मुझे कह रहा है अपना सिर ढकना है। तो मैंने सोचा ये रिलीजियस स्पिरिट मेरे अगेंस्ट काम कर रही है। फिर कुछ महीनों के बाद फिर मुझे ऐसा लगा, फिर मैंने जाके पास्टर को ये बात बताया, फिर पास्टर ने मुझे कहा ऐसा चीज़ मुझे परमेश्वर मुझे भी बोल रहा था। फिर मुझे समझ में आया ठीक है, परमेश्वर ये बात मुझे बोल रहा है, मैं ये करने लगती हूँ। एक बात को मगर समझिए, जैसे पास्टर की मम्मी हैं वो गोल्ड वगैरह नहीं पहनती हैं, क्योंकि वो एक ऐसे चर्च से हैं जहाँ पर गोल्ड पहनना अलाउड नहीं था। और ये बात परमेश्वर ने उनको कंफर्म करके बताया कि गोल्ड नहीं पहनना। बात क्या है? कई बार हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, किसी स्थान में, किसी जगह में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहां परमेश्वर चाहता है कि कुछ रूल्स हम फॉलो करें। अगर कई आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के घर आती हूँ, मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। कितने लोगों को ये पता है मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीती? ठीक है, तो क्या चाय कॉफ़ी पीना पाप है? मगर मुझे कॉफ़ी पीने का बड़ा शौक़ था। पास्टर इसका मजाक उड़ाते हैं, जब भी हम घूमने जाते हैं मैं पहले कॉफ़ी शॉप ढूंढती हूँ। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया मुझे बड़ा शौक़ है कॉफ़ी का। मैंने कहा परमेश्वर कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे पसंद है मैं छोड़ देती हूँ ताकि मैं आप में बढ़ पाऊँ। और जिस दिन मैंने ऐसा किया मुझे परमेश्वर का अभिषेक अपने ऊपर बड़ा पता चला। अब ये कई लोग ये जो गोल्ड छोड़ देते हैं, मैं गेस कर रही हूँ, हो सकता है जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पर गोल्ड बहुत पहना जाता है, बहुत गोल्ड खरीदा जाता है जब लोगों की शादी होती है, और बहुत गोल्ड पहना जाता है। तो अगर परमेश्वर ने किसी स्पेसिफिक चर्च को, किसी स्पेसिफिक लीडरशिप को ऐसा बोला कि गोल्ड नहीं पहनना चाहिए, और वो लीडरशिप अपने चर्च को ऐसा बोलती है नहीं करने के लिए, तो वो उनके और परमेश्वर के बीच में है। और परमेश्वर ने ऐसा बोला होगा शायद ताकि उनका दिल गोल्ड के ऊपर ना बना रहे। नहीं तो आपको पता है शादियों में जैसे दहेज या गोल्ड या तुम कितने अमीर हो, ये सब चीज़ें इन जनरल बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी चर्च में अगर आपने कितना गोल्ड पहना है, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, या आप कितने स्टाइलिश लग रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके साथ बर्ताव किया जाए, आपके साथ ट्रीटमेंट किया जाए, तो वो गलत है।
और कई बार ऐसी स्थितियों में परमेश्वर ने शायद उस लीडरशिप को बोला हो गोल्ड नहीं पहनना, तो वो चर्च वो लीडरशिप वैसा ही आगे करता आया। मगर किसी जगह में किसी एक लीडरशिप को अगर परमेश्वर ने ऐसा कहा तो उस बात को हम बाकी चर्चेस बाकी लोगों के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। क्या आप समझ रहे हैं बात? कुछ जगहों पे तो दुपट्टा शायद क्रिश्चियनिटी में आप ऐसे पहन सकते हो, कुछ लोग तो अपना बाल भी नहीं दिखा सकते हैं, तो कहां तक जाओगे आप? कितना सही है कितना गलत है ये हमें अपने कॉन्शियंस से पवित्र आत्मा से पूछना है। परमेश्वर ने तभी लीडर्स दिए हैं। कुछ चीजें हमें जरूरी नहीं है हर कोई कहीं से भी आ गया अपने रूल्स हमारे ऊपर थोप सकता है, तूने ये नहीं किया तो तू पापी है। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे दिमाग को खोलिए, ऐसे कौन से ट्रेडिशंस हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं मैं इसलिए कर रहा हूं या कर रही हूं और मैं इसलिए शायद परमेश्वर में नहीं बढ़ रहा, या शायद ऐसे लोग अपने रूल्स को हमारे ऊपर फोर्स कर रहे हैं। कई बार परमेश्वर कुछ चीजों को स्ट्रिक्ट करके बोलता है। आज अगर हमारे वर्शिप टीम में एक रूल है संडेस को सलवार सूट पहनना चाहिए जो टीम है, मैं अगर अभी यूरोप चली गई और वहां पे उन्होंने सलवार सूट नहीं पहना, क्या मैं उनके साथ वर्शिप नहीं करूंगी? बताइए। एक जगह के अनुसार उसको सोचते हुए ध्यान में रखते हुए हमें चीजें करनी है। जब मैं किसी से बात कर रही थी स्वीडन में, तो वो चाह रही थी यहाँ पर आकर प्रचार करना, तो उनका सवाल था कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए मुझे वहाँ पे, क्या कपड़े अलाउड हैं ताकि वो प्रचार कर पाए। तो मैंने उनको बोला ऐसा रूल नहीं है, मगर लोगों के लिए जो लोग कंफर्टेबल हैं ऐसे ऐसे कपड़े हैं। इसलिए कई बार आप देखते हो बाहर से जो लोग आते हैं प्रचार करने वो इंडियन वाले कपड़े पहनते हैं, ताकि क्योंकि वो किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। तो हम ये बात समझें, हम अगर परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं हमारा एम ये नहीं होना चाहिए, जैसा वचन कहता है ब्रेडेड हेयर, बाल की मतलब गुथ बनाए, ये कर दिया वो कर दिया कि पूरी दुनिया मेरी तरफ ही देखे। जैसे कोमल मुझे कल कह रही थी, मतलब कुछ लोग ऐसे छन 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 मतलब चल रहे हैं तो सारी दुनिया उसी की तरफ देखे, एम ये है। ये बात हम समझें कि जब हम खड़े हैं, जो लोगों ने सबसे ज्यादा जो लोग मुझे जिनको मेकअप के साथ प्रॉब्लम होता है वो लोग हैं जो मेकअप नहीं डालते, और उनको दुख होता है कि हम उनका चर्च उनको मेकअप नहीं डालने देता, तो उनको मेरे से बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा आप मेकअप भी डाल लेते हो, अच्छा हमारे चर्च में तो अलाउड नहीं है। फिर धीरे धीरे बोलने लगते हैं हमारे चर्च में ना जीन्स पहनना अलाउड नहीं है, मगर मैं अपने बच्चे को खरीद के देती हूँ, सूट कौन खरीदेगा छोटे बच्चे के लिए? पर वचन कहता है परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो जो भी हम कर रहे हैं हम पवित्र आत्मा से सुनते हुए करें। हम एक सूट भी पहन सकते हैं, अश्लील भी हो सकता है वो, कोई जीन्स पहन सकता है और उसको बड़े नीटली भी पहन सकता है, जीन्स को भी अश्लील तरीके से पहना जा सकता है, सूट या साड़ी को भी अश्लील तरीके से पहना जा सकता है। इसको बोलते हैं ऊपर से कप को साफ करना। सूट तो पहन लिया मगर अगर अश्लील पहन लिया क्यों? क्योंकि कप अभी भी अंदर से गंदा है। ये जो चीजें करते हैं लोग वो अंदर से इतने दुखी हैं,
मुझे लिपस्टिक, वो क्यों हमें आके सुनाते हैं? क्योंकि वो उनको लिपस्टिक नहीं पहनने दिया जा रहा है, उनको मेकअप नहीं करने दिया जा रहा है, उनको रंगीन कपड़े नहीं पहनने जा रहे, आपको देख के जलते हैं और फिर आपको सुनाते हैं तुम भी पहन लो। बिना बात के रूल्स, बिना बात के रूल्स, जहां जरूरत नहीं है क्यों किसी का गला घोटना? वचन में ये लिखा है, ये फरीसी क्या करते हैं, जो बोझ वो खुद नहीं उठा सकते दूसरों के ऊपर डालते हैं। जब भी हम कुछ करें हमें वचन पता होना चाहिए, तभी परमेश्वर के दिल को हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर का दिल क्या कहता है, उसके मुताबिक हम चलें। एक और इंटरेस्टिंग वर्स है मेरे पास, नीति वचन 13:24, मैं पढ़ देती हूँ। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, पर जो उससे प्रेम रखता है वो यत्न से उसको शिक्षा देता है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, मतलब तुम अपने पंजाबी में, किसी के पास पंजाबी में है ये वाला वर्स? ये सारी चीज़ें पंजाबी में बड़ी अच्छी बोलते हैं, पंजाबी में है? हाँ पढ़ दे। जेड़ा पुत्र ते शूषक नहीं चलाउंदा, क्या नहीं चलाउंदा? शूषक क्या होता है? छड़ी, डंडा। अच्छा आगे पढ़ दे, आगे पढ़। पर जेड़ा उस दे नाल प्यार करता है वो वेले सिर उसनू ताड़दा है। तो छड़ी मतलब डंडा, जो अपने बेटे पे डंडा नहीं चलाता वो उसका बैरी है, उसका एनिमी है, उसका दुश्मन है। तो मतलब अगर मैं जब देखा अपने बच्चों पे डंडा मारने ना लगूं, मैं उसकी दुश्मन हूं, वचन में ऐसा लिखा है। तो जब बच्चा दिखे मारो, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, क्यों मैं तेरे से प्यार करती हूँ? क्या हम ऐसा करते हैं? बाइबल को इंटरप्रेट करना सीखें। कोलोसियों उसका 3:21, हे बच्चे वालों, तुम अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका सांस टूट जाए। उनका सांस टूट जाए मतलब तुम साहस टूट जाए, मतलब तुम उनके ऊपर इतना भी सख्ती मत बरतो, इतना भी उनके हर चीज़ पे उनको टोका टाकी मत करो, इतनी भी उनकी मतलब स्ट्रिक्टनेस ना दिखाओ कि उनका वो हार ही मान जाए, वो दुखी ही रहे। दोनों वचन समझ में आ रहे हैं कैसे इंटरप्रेट किया जाता है? अभी समझ में आ रहा है बालों में गुथ बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए? कितने लोगों को लगता है गुथ बनानी चाहिए? अब तो हाथ दिखा दो, अब तो समझ में आ गया वचन से, ऊपर ऊपर हाथ, ठीक है। सोना पहन सकते हैं? हाथ दिखा दो। सफ़ेद कपड़े पहन सकते हैं? अच्छा अभी भी डाउट है, ये वाला भी करना पड़ेगा। कितने लोग कहते हैं सफ़ेद कपड़े पहन सकते हैं? अब दो लोग। रंगीन कपड़े, सफ़ेद कपड़े भी पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आज सफ़ेद पहना है, साथ में रंग भी डाला है। रंगीन कपड़े पहन सकते हैं? समझ रहे हो? ना हम खुद पाप करें, ना किसी और के लिए पाप का कारण बने। क्या आपको पता है जो मूसा था, ये लास्ट वर्ड बोल के मैं बंद करूंगी, जो मूसा था, परमेश्वर ने जब उनके पास, इज़राइलियों के पास पानी नहीं था, परमेश्वर ने उसको बोला जाके पत्थर के ऊपर डंडा मार और पानी निकलेगा। मूसा ने क्या किया? डंडा मारा या लोगों को सिखाया मैं तुम्हारे साथ स्ट्रिक्टली से या लॉ के अकॉर्डिंग काम करूंगा, जैसा लॉ, पुराना नियम के जो नियम है, नियम के मुताबिक काम करूंगा, डंडे के साथ काम कराऊंगा। और क्या आया? पानी। दूसरी बार परमेश्वर ने कहा पत्थर को बोल और पानी निकलेगा, मगर मूसा गुस्से में था, उसने पत्थर के ऊपर फिर डंडा मारा, पानी निकला, मगर मूसा वायदे के जमीन में नहीं गया। जिस चीज के लिए वो इसराइलियों को लेके आया मिस्र देश से, वो उस जगह पे नहीं गया, क्योंकि उसने फिर से डंडा मारा।
कई बार ये जो रिलीजियस चर्चेज हैं, धर्म वाली चर्चेज हैं, या ये जो पुराने परमेश्वर ने एक समय पे इनको कुछ करने के लिए बोला था, वो उसी चीज को करे जा रहे हैं, वो डंडे को ही मारे जा रहे हैं। परमेश्वर से पूछें, शायद समय आ गया है पत्थर से बात करने का। जैसे बच्चे के ऊपर भी हमेशा डंडा नहीं मारा जाता, बच्चे से बात भी करी जाती है, बच्चे को समझाया भी जाता है, हमेशा बिना बात के सिर्फ रूल्स किसी के ऊपर मार मार के परमेश्वर के राज्य में नहीं घुसाया जाता। मूसा घुस नहीं पाया इस वजह से। कोई ऐसी सोच हमारे अंदर जो धर्म वाली आत्मा है, हमें अपने वायदे की जमीन में घुसने से रोके ना। ऐसी कोई चीजें हमें रोके ना, कोई ऐसे लोग हमें रोके ना। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर सब ऐसी सोचें जो आपके विरोध में खड़ी हैं मेरे मन में। ये जो धार्मिक वाली आत्मा है, धर्म वाली आत्मा, हमेशा फीलिंग ऐसे देगी बड़े धर्मी, सुपीरियर, ग्रेटर लोग हैं, क्योंकि उनका एम ही ये है अपने कपड़ों को ऐसा बनाना। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 पढ़ते हुए हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ऐसी क्या भावनाएं हैं, ऐसी क्या सोचें हैं, ऐसी क्या लोगों की बातें हैं जो आज तक हमारे सिर में एक ऊंची जगह ले ली है, उनको आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर वो टूट के नीचे गिर जाएं, ताकि परमेश्वर जो वायदे आपने मेरे लिए रखे हैं उस जमीन में मैं चल पाऊं, मैं बिना बात के ट्रेडिशनलिज्म का शिकार ना बनूं जहां जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हम ऐसे लोग बन जाएं जो बिना बात के हर रूल, जहां रूल तोड़ पाएं घुस जाएं, जगह मिल जाए रूल जाके तोड़ो। हमारा ये एम नहीं है। मेरा इस प्रचार से ये एम है कि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। बिना बात के बोझ हम अपने कंधों पे ना रखें, ताकि हम स्वतंत्रता के साथ चल पाएं और परमेश्वर के वायदे के जमीन में जा पाएं।